हेलो गाइस, जब हम प्रोग्रामिंग में बिगिनर लेवल तो होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं वेब डेवलपमेंट को लेके। एक वेब डेवलपर कौन कौन से लैंग्वेजेस, कौन कौन से फ्रेमवर्क का यूज़ करके एक कंप्लीट वेबसाइट बनाता है, हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो इसी डाउट और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक प्रोग्राम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फुल स्टैक वेब डेवलपर, देन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी और फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, एंड देन उसके बाद बैक एंड टेक्नोलॉजी और बैक एंड के कुछ लैंग्वेजेस, एंड देन डेटाबेसेस। इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो व्हाट इज फुल स्टैक वेब डेवलपर? अ फुल स्टैक वेब डेवलपर इज अ पर्सन हु कैन डेवलप client side and server side applications. Full stack web developers have the ability to design complete web applications and website. They work on the front end, back end, databases and debugging of web application or website. Means ek full stack web developer complete websites ko banata hai from starting to end. Matlab ki wo वेबसाइट को डेवलप करने से लेकर डिप्लॉयमेंट तक पूरा काम देखता है, उसे फुल स्टैक वेब डेवलपर कहते हैं। सो सबसे पहले आता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी और क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस और यूजर इंटरफेस, इसको यूआई भी कहते हैं। इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजर एक्सपीरियंस। The user directly interacts with the front-end portion of the web application or websites. Means जो websites का front page होता है, जो हमें visible होता है, उसी को front-end कहते हैं। इसमें पहला होता है HTML और HTML5। इसी का use करके हम front-end का structural part create करते हैं। HTML extends for hypertext markup language. And then उसके बाद आता है CSS. CSS extends for cascading style sheet. इसका यूज करके हम HTML के स्ट्रक्चरल पार्ट को डिजाइन देकर एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाते हैं। एंड देन आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज करके पेज को डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाया जाता है। ये वेबसाइट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन आता है कुछ फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। पहला लाइब्रेरीज है React.js. React.js एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको फेसबुक के डेवलपर्स ने बनाया है। देन आता है Angular.js. Angular.js एक फ्रेमवर्क है जो कि गूगल के डेवलपर्स ने बनाया है। देन आता है Vue.js, इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी। एंड देन आता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इज अ CSS जावास्क्रिप्ट एंड HTML फ्रेमवर्क। इसका यूज करके हम पेज को इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाते हैं। एंड देन आता है बैकएंड टेक्नोलॉजी सर्वर साइड लैंग्वेजेस। इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज करके बैकएंड के पार्ट को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें पहला है पाइथन। पाइथन के कुछ फेमस फ्रेमवर्क्स हैं जैसे जेंगो, फ्लास्क। इन फ्रेमवर्क्स का यूज करके हम कंप्लीट वेबसाइट का डिजाइन बना सकते हैं, जिसमें है जेंगो एंड फ्लास्क। और देन उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का एक कंप्लीट टूल है Node.js. Node.js इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट दैट रन्स ऑन द V8 इंजन एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड अ वेब ब्राउजर। Node.js बैकएंड में यूज की जाने वाली एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं। एंड देन आता है जावा। जावा का यूज एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी किया जाता है और वेब डेवलपमेंट के लिए इसे भी यूज किया जाता है, जिसका फ्रेमवर्क है स्प्रिंग। एंड देन आता है PHP. PHP एक पुराना लैंग्वेज है जिसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं लारावेल एंड जेंड। इसका यूज करके हम
कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। एंड देन आता है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच हेल्प इन एफिशियंट रिट्रीवल इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड ऑर्गेनाइजेस द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स व्यूज स्कीमा रिपोर्ट्स एटसेट्रा। मतलब डेटाबेस एक ऐसा डेवलपमेंट टूल है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, जिसमें इंसर्शन डिलीशन अपडेट सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बेसिकली टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड, मींस डेटाबेस इज इन ऑर्गेनाइज इन टेबल। एंड इसके कुछ टाइप्स हैं MySQL, SQLite एंड SQL। SQL stands for Structured Query Language। And then आता है non-relational database। A non-relational database is document oriented, means all information get stored in more of a laundry list order, means इसमें कोई list और table की कोई boundary नहीं होती है। इसके कुछ types हैं Cassandra, Redis and MongoDB। Node.js में MongoDB डेटाबेस का वाइडली यूज होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इस डेटाबेस का यूज करती हैं। सो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।